भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे देश में जाकर अपने देश का नाम ऊंचा करने में अजय पाल सिंह बंगा की एक अहम भूमिका है। 10 साल तक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट वेल नोन फाइनेंशियल कंपनी मास्टर कार्ड के सीईओ एंड प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व करने के बाद वह अब मास्टर कार्ड के चेयरमैन है, जिन्होंने अपनी काबिलियत अनुभव से मास्टर कार्ड को कई पहलुओं में उभारा है। अजय पाल सिंह बंगा मूल रूप से तो पंजाब के जलंधर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म 10 नवंबर 1959 को पंजाबी सिख फैमिली में हुआ, महाराष्ट्र के शहर पुणे में मौजूद खड़की में। सिर्फ अजय पाल सिंह बंगा ही नहीं, उनके सगे भाई मनविंदर सिंह बंगा भी हैं। मनविंदर सिंह बंगा भी हमारे देश में बड़े नामों में हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊँचा उठाया है। मनविंदर सिंह बंगा ने 33 सालों तक यूनिलीवर के साथ काम करा है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के चेयरमैन एंड सीईओ के तौर पर कंपनी को सर्व करा है। चाहे अजय बंगा हो या मनविंदर बंगा, दोनों ने अपने परिशिष्ट स्थानों पर रहकर हमारे देश का नाम कई बार ऊंचा करा है। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना तो जैसे अजय बंगा के पारिवारिक परंपरा में से एक है। वह बताते हैं कि उनके परिवार में शिक्षा, अनुशासन, परस्पर आदर भाव, धार्मिक ग्रंथों से मिली शिक्षा और जीवन में बड़े गोल्स को रखने की चाह, ये सब उनके परिवार में परंपरा रही है। जिसमें सिर्फ वही नहीं, उनके दादाजी भी एक परिशिष्ट चिकित्सक रहे हैं और उनके पिता हरभजन सिंह बंगा जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, जिनसे ये सीख परंपरागत तौर पर और संस्कारों के रूप में उनको प्राप्त हुई है। अजय पाल सिंह बंगा ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कई राज्यों में रहकर पूरी करी है। क्योंकि उनके फादर आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, अपने फादर की जॉब के कारण उन्हें काफी स्कूल्स चेंज करने पड़े। आखिर में उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिमला में रहकर पूरी करी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स से करी इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज सेंट स्टीफन से एंड अपनी मास्टर्स आईएम अहमदाबाद से पीजीपी इन मैनेजमेंट में। अजय बंगा ने अपने करियर की शुरुआत नेस्ले के साथ करी साल 1981 में, जिसमें वह करीब 13 साल तक नेस्ले के साथ जुड़े रहे, जिसमें उन्होंने कई अहम रोल्स अदा करे, सेल्स, मार्केटिंग एंड जनरल मैनेजमेंट से जुड़े। जिसके बाद वह पेप्सिको के साथ जुड़े। पेप्सिको में जुड़ने के बाद उनका बहुत बड़ा योगदान रहा पेप्सिको के इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइज को इंडिया में ओपन करने का। बंगा साल 2010 में मास्टर कार्ड के सीईओ एंड प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त करे गए रॉबर्ट शैलेंडर को पीछे छोड़ने के बाद, जो साल 1997 से सीईओ रहे मास्टर कार्ड के। इससे पहले अजय बंगा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर मास्टर कार्ड को सर्व करते आए थे। साल 2015 में वह यूएस के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा के द्वारा व्यापार नीति के सलाहकार के तौर पर चुने गए। बंगा यूएस इंडिया काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर भी नियुक्त किए गए थे, जिसमें वह उन 300 इंटरनेशनल कंपनीज को रिप्रेजेंट करते थे जिन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट करी है। वहीं वह साल 2020 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के तौर पर भी नियुक्त करे गए थे। इससे पहले वह जून 2018 से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फर्स्ट वाइस चेयर के तौर पर नियुक्त थे। अजय बंगा कई फिनटेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर रहे हैं। बंगा साल 2014 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस 2014 ग्रेजुएट कन्वेक्शन में भी स्पीकर रहे थे, जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन ड्राइविंग इनोवेशन एंड लीडरशिप पर अपने विचार सबके सामने रखे थे। वह अपने खुद के अल्मा मेटर रही यूनिवर्सिटी आईएम अहमदाबाद में भी स्पीकर रहे हैं साल 2015 की कन्वेक्शन के दौरान। अजय बंगा साल 2016 में हमारे देश की सरकार के द्वारा हमारे देश के फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। अजय पाल सिंह बंगा आज उन लोगों में शुमार है जिन्होंने इंटरनेशनली हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा करा है। इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी वह आज दिल से हिंदुस्तानी है। वह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर है। हमें भी उनसे वह सब सीखना चाहिए, जिससे हम भी अपने अपने स्थानों में एक परिशिष्ट स्थान प्राप्त कर सके। That's all in this video. Please वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।